नमस्कार दोस्तों, अब हम पर्यावरण के मुद्दे पाठ के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, घरेलू वाहित मल के विभिन्न घटक क्या है? घरेलू वाहित जल में मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। निम्नलिखित घटक है, निलंबित ठोस जैसे बालू, गाद और चिकनी मिट्टी। दूसरा है कोलोइडी पदार्थ जैसे मल पदार्थ, जीवाणु, वस्त्र और कागज के रेशे। और तीसरा है विलीन पदार्थ जैसे पोषक पदार्थ, जेडेक्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम आदि। दूसरा प्रश्न, वैश्विक उष्णता में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले क्या उपाय हैं? इसका उत्तर है, वैश्विक उष्णता को निम्नलिखित उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वाहनों का प्रयोग कम करना जिससे दूषित गैसों का अनुपात वायुमंडल में कम हो जाएगा, विलुप्त हो रहे जानवरों की जातियों का संरक्षण प्रदान करना, वनों का विस्तार करना, प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना, पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करके कपड़े की थैली का प्रयोग करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, बढ़ती जनसंख्या कम करना। तीसरा प्रश्न, एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों बनते हैं? पराबैंगनी विकिरण के बढ़ने से हमारे ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ेंगे? ओजोन परत हमें सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाते हैं, परंतु दूषित वातावरण, औद्योगिक अपशिष्ट में निकली जहरीली गैसों के कारण ओजोन परत में छिद्र का आभास होने लगा है। इसका अर्थ है कि जगह जगह पर ओजोन परत में कमी आ जाती है। आजकल प्रचलित परफ्यूम स्प्रे गंधहारक बंद डिब्बों में आते हैं तथा झाग के रूप में निकलते हैं। इन्हें एरोसोल कहते हैं। ये वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को नष्ट करते हैं। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, गद्देदार फोम, इसमें सीएफसी का उपयोग होता है। यह सीएफसी ओजोन के स्तर के लिए हानिकारक है। रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा वन्य वृक्षों के जलने से ऑक्सीजन की परत को क्षति पहुंचती है। यदि ओजोन स्तर पूरा हो, अर्थात बिना छिद्र के हो, तो पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरा अवशोषित हो जाता है। पराबैंगनी किरणें BDNA को क्षति पहुंचाती है। बुढ़ापे के लक्षण जल्दी दिखते हैं तथा ये किरणें आंखों में मोतियाबिंद का कारण भी है। चौथा प्रश्न, वनों के संरक्षण और सुरक्षा में महिलाओं और समुदाय की भूमिका की चर्चा करें। वन संरक्षण में यदि महिलाओं के योगदान की चर्चा करें, तो इसका इतिहास जानने के लिए हमें भूतकाल में जाना होगा। सन 1731 में जोधपुर राजा ने अपने महल के निर्माण के लिए वृक्षों को काटने का आदेश दिया। उस वन क्षेत्र के पास बिश्नोई परिवार रहता था। इस परिवार की अमृता नामक महिला वृक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई। उसका कहना था कि वृक्ष हमारी जान है और हमें उन्हें काटने नहीं देंगे। यदि वृक्ष को काटना है तो पहले हमें काटना होगा। कहना ना मानने पर राजा के लोगों ने अमृता, उसकी 3 बेटियों सहित बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों को वृक्ष के साथ काट दिया। वन संरक्षण में चिपको आंदोलन का महत्व है। इस आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा थे। 1974 में जब हिमालय के गढ़वाल में ठेकेदारों ने वृक्षों को काटना आरंभ किया, तो वहां रहने वाली महिलाओं ने साहस का परिचय दिया था। वृक्षों को काटने से रोकने का समर्थन नहीं रही, यही प्रयास चिपको आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। पांचवा प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस के बारे में संक्षेप में बताएं। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्राइट ऑक्साइड, जल वाष्प, इन सभी को ग्रीन हाउस गैस कहा गया है। इन सभी गैसों की अधिकता के कारण पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ जाता है। इसके कारण पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल गर्म हो जाती है। पृथ्वी का तापमान एक सीमा से अधिक बढ़ने पर ध्रुवीय हिम टॉप के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। अनुमान है कि आने वाले शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक विकास के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
0.03% से बढ़कर 0.04% हो गई है। कहा जाता है कि यही परिस्थितियां रही तो सारे द्वीप तथा समुद्री तटों पर बड़े शहर समुद्र में समा जाएंगे। और इसी प्रकार हमारे सारे सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।